ये दाग निकल ही नहीं रहा है। ऑफिस जाने के पहले ड्राई क्लीनर को देना पड़ेगा। मेरी बुआ की तरफ से सॉरी। कुछ भी मत बोलो, उन्होंने जानबूझकर नहीं किया था। मेरी बुआ ऐसी ही है, चलती फिरती आफत है, जहाँ जाओ प्रॉब्लम क्रिएट करती है। जोर से बात करती है और बहुत लाउड है, मुझे तो शर्म आती है। हमें हाई क्लास रेस्टोरेंट्स में उसे नहीं बुलाना चाहिए। तुम्हें हो क्या गया है ना? तुम अपने घर वालों के बारे में ऐसा कैसे बोल सकती हो? तुम तो उनके बारे में बहुत सोचती थी, तुम्हें उन पर नाज होता था। मैं अभी भी उनसे प्यार करती हूँ, तुम ऐसे कैसे सोच सकते हो? और मैं नहीं बदली हूँ, तुम्हारा एटीट्यूड बदल गया है। मुझे पता है ऐसा होता है, पति का अपनी पत्नी से मन भर जाता है और फिर वो उसकी गलतियाँ निकालता है और खामियाँ ढूंढता भी है। मुझे सच बताओ, क्या तुम मुझसे थक गए हो? तुम क्या बोले जा रही हो? मैं तुमसे पहले जितना ही प्यार करता हूँ, लेकिन तुम्हारा बिहेवियर कभी कभी मुझे इरिटेट करता है। ये कोई अच्छी बात नहीं है। मुझे नहीं पता तुम्हारे साथ हो क्या रहा है और मैं क्या करूं।